जो अपना अनुभव था वो दुनिया से साझा करते हुए बात कही है कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी है जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि कहीं वे मारा नहीं जाए। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस ओबीसी विसंगति के संदर्भ में बाड़मेर के नौजवान का उल्लेख जरूर होगा। 1954 के अंदर जो टीएनसी एक्ट बना वो टीएनसी एक्ट भी मारवाड़ टीएनसी एक्ट के आधार पर ही राजस्थान का टीएनसी एक्ट बना और हम लोगों को खातेदारी का अधिकार। हमारे लिए क्या मुद्दे हम लोगों के लिए प्राथमिकता रहनी चाहिए ये अगर हम लोग पता नहीं करेंगे और ये तय नहीं करेंगे तो हम लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी, मैं माफी चाहता हूं, है वहां से कम होगी, है वहां से आगे नहीं बढ़ेगी। ये ओबीसी विसंगतियों के संदर्भ में बड़ी सरल सी चीज थी। विवाद करने वालों ने कई आधार के ऊपर विवाद किए, जो सिफारिश ओबीसी आरक्षण के विसंगतियों में था। 18 अप्रैल को 17 अप्रैल को राजेंद्र कड़वासा और उसके साथ है कई नौजवान विद्यार्थी मेरे पास भी है। मुझे भी पूरी जो इस विसंगतियां क्या है उसके कारण हम लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा वो आंकड़ों के आधार पर इन्होंने मुझे बताया। काफी कागज लेकर आए, वो कागज भी मेरे पास ही छोड़ दो। मैंने उसका अध्ययन किया और फिर 2-3 दिन बाद वापस मैंने उनको बुलाया। मेरे जहन के अंदर भी बहुत सवाल थे। मैं इनके माध्यम से और जो भी मेरे जानकार थे उनके माध्यम से इन सवालों का मैंने उत्तर दिया। बड़ी सरल सी चीज, इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है। विवाद करने वाले ये कई तरह के प्रश्न हम लोगों के सामने हुए। ये प्रश्न भी उठाया कि आप भूतपूर्व सैनिकों को जाति के आधार पर बांटना चाह रहे हो। यह आरोप भी लगाया गया, वो ये आरोप आज भी जिंदा एक विवाद का रूप भी ले चुका है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों को या तो हम जाति के आधार पर माने या हम जाति के आधार पर नहीं माने। आपकी सहूलियत होती है उस वक्त आप जाति के आधार पर मान लो, और आपकी सहूलियत नहीं होती है तब आप जाति के आधार पर नहीं मानो। ये दोनों व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए।